हाय गाइस, वेलकम टू एम्सा फार्म एक्वाफोनिक्स। आज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि नॉर्मली मैं एक्वाफोनिक के बारे में बताता हूँ, और एक मेथड है जिसके तरीके से आप हाइड्रोफोनिक वे से आप कर सकते हो। हाइड्रोफोनिक मतलब दोस्तों कि एक्वाफोनिक में क्या होता है, फिश का यूज़ करते हैं, और हाइड्रोफोनिक्स में आपको फिश यूज़ करना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर फिश यूज़ करेंगे अगर वो मर जाएंगे, या फिर बहुत लोगों के कम्युनिटी में फिश यूज़ करके उनका पूप से आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा नहीं लगता है, उसके वजह से आप हाइड्रोफोनिक उनके लिए हाइड्रोफोनिक आप कर सकते हो। तो हाइड्रोफोनिक कैसे करना है तो आज मैं आपको उसका डेमो दिखाने वाला हूँ। आप सिर्फ एक बॉटल से आप हाइड्रोफोनिक कर सकते हो, तो ये DIY सिस्टम है। आपको एक बिस्लरी का, अभी मैंने ये कितने लीटर का है, दो लीटर का, तो ये 2 लीटर का बॉटल है। इससे कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा।
तो ये कंप्लीट हो गया अभी, मैंने यहाँ पे पेंट मारा हुआ है, ये जो लाइन छोड़ा था इसमें वाटर लेवल आपको पता लगेगा इधर, और ये ऊपर भी मैंने पेंट मारा है, यहाँ पे मैंने होल्स मारे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ये अगर आपको दिख रहे तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कट किए प्लास्टिक, क्योंकि अगर जैसे आपके रूट्स नीचे आएंगे तो इसमें से छोटे छोटे होल से छोटे रूट्स बाहर आएंगे, लेकिन बड़े रूट्स जो है वो बड़े बड़े होल से बाहर आ सकते हैं। तो ये इसमें अभी पानी भरूंगा और इसमें प्लांट लगाऊंगा। अभी ये पानी के साथ क्या करना है, सिर्फ पानी के ऊपर पौधे नहीं आ सकते, तो उसका आपको मैं फंडा बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक क्या है। तो ये मैं साइड में रखता हूँ अभी। देखो यहाँ पे दो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक लिफी ए लिफी बी, ये हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। ये बड़े बॉटल से ये आप अमेजोन या दूसरे कोई भी साइट से या फिर कोई भी नर्सरी शॉप में जहाँ पे हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स मिलता है वहाँ पे आप ले सकते हो या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। यह अभी 1000 ml का है, 1 लीटर का बॉटल है, ये लिफी ए और लिफी बी, तो ये आप इसमें लगा सकते हो। तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको पानी में मिक्स करना है। अभी इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है कि 1 लीटर के लिए 4 ml आपको यूज करना है। पहला ए आपको डाइल्यूट करना है, उसके बाद आपको बी डाइल्यूट करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये। तो ये नीचे का जार लिया, इसमें अभी पानी डालूंगा। पानी दोस्तों मेजरमेंट लेके डालना है। अभी ये 300 का मैंने अभी पानी भरा है, 300 का अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ। और 300 इसमें डाल रहा हूँ, पहले मेजरमेंट ले रहा हूँ उसके बाद उसमें ऐड करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना वाटर उसमें यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशंस ऐड करना है। तो ये 300 का दूसरा एक जार में डाल रहा हूँ और मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। और ये 300 का और एक में डाल रहा हूँ ऐड किया। तो अब ये 900 ml टोटल हो गया है दोस्तों, तो ये साइड में रखता हूँ। तो अभी पहला मैंने लीफी ए न्यूट्रिएंट लिया, चार एम एल के लिए। आपके पास अगर मेजरमेंट नहीं रहेगा 4-5 ml के लिए, तो दवाई जो रहता है सिरप उसका कप रहता है जिसमें 5 ml 10 ml ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसमें से 4 ml आपको इसमें ढक्कन डालना है। तो ये मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा हो गया, 4 ml से थोड़ा कम ले, क्योंकि 900 ml है, ये मैंने इसमें ऐड किया। इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है दोस्तों। ध्यान में रखो ए और बी मिक्स करके नहीं डालना है न्यूट्रिएंट, पानी में पहला ए यूज करना है, उसके बाद आपको पानी में अच्छे तरह से मिक्स करके उसके बाद आपको बी यूज करना है। तो ये ए अभी ऐड हो गया। उसके बाद में बी यूज करता हूं, ये बी न्यूट्रिएंट्स है। ये मैंने 4 ml लिया है, ये मैंने ऐड किया इसमें। और ये नेट कप लाके देख रहा हूँ पानी इसमें टच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा और पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि पानी प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचना चाहिए। तो मैं अभी इसमें सिर्फ 100 ml वाटर ले लूंगा, जिसमें 1000 ml हो जाएगा, मतलब 1 लीटर आपका पानी हो जाएगा।
तो अभी ये 100 ml मैंने वाटर लिया है, 100 ml वाटर ऐड कर रहा हूँ, 100 ml ऐड किया है, अभी पानी नीचे टच हो रहा है, तो मतलब 1 लीटर इसमें नीचे रिजर्व में पानी हो गया है, और 1 लीटर में मैंने ए और बी न्यूट्रिएंट 4-4 ml यूज किया है। तो दोस्तों ये जो तरीका है वो हाइड्रोफोनिक तरीका है। तो एक्वाफोनिक में आप फिश रखते हो, इसमें फिश रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको न्यूट्रिएंट इसमें ऐड करना है, क्योंकि पानी से सिर्फ आपको रूट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जैसे मिट्टी में जिंक आयन सल्फर आयन ये सब रहता है, तो आपको पानी में वो डाइल्यूट करके यूज करना है। तो ये इसमें आपको पौधे लगाने, अभी प्लांट लगाते समय डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाने, एक आपको हाइड्रोटोन्स बॉल्स मिलते, बहुत लोगों को पता रहेगा, ये आप नर्सरी शॉप में जाओगे तो ये हाइड्रोटोन्स बॉल्स मिलते, ये बॉल्स ऐसे रहते, बहुत लाइट वेटेड रहते ये, तो ये आपको बॉल्स यूज करने हैं। तो ये इसमें ऐड करके इसके अंदर प्लांट लगाना है आपको, तो अभी मैं बताऊंगा वो। दो चीज आपको इसमें मेंटेन करना है, एक पीएच वैल्यू, पानी का पीएच वैल्यू रहता है, ये पीएच मीटर आता है जिसमें आप इसको पानी में ऐड करके पीएच वैल्यू कितना है पानी का देख सकते हो। नॉर्मली अपना म्यूनसिपालिटी का या अभी टैप वाटर का जो पानी आता है हम लोग जो पीने के लिए यूज करते हैं वो 6.5-7.5 तक पीएच रहता है, हाइड्रोफोनिक में 7.5-6.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये जो दूसरा जो मीटर है वो इसी मीटर है, ये आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। शुरुआत बेस में, अगर स्टार्टिंग बेस में आप इतना मेजरमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका पानी में न्यूट्रिशंस कितना है आपको वो चेक करना पड़ेगा। अभी मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ, ये मीटर आता है इसी मीटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, तो मैं अभी पावर ऑन कर रहा हूँ इसका, आपको दिख रहा है यहाँ पे मीटर रीडिंग है, यहाँ पे अभी यहाँ पे जीरो दिख रहा है, तो ये पानी में ऐड किया मैंने, और इसको मैंने अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ इसको, तो इसी जो दिखा रहा है यहाँ पे 1865, तो 2000 के ऊपर इसी नहीं जाना चाहिए। आपका न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, तो ये 1000 के 2000 के बीच में होना चाहिए। तो ये अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो 1800 है जो ठीक है, पीएच भी रख रहा हूँ, अभी साइड में रख रहा हूँ। अभी मैं ये प्लांट लिया है मैंने, ये प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ, ये कोकोपीट है नीचे, तो इसको अभी वॉश करने वाला हूँ मैं। आप एक जार ले लो, इसे पानी भर दो और ये आपका इसमें छोड़ दो, और इसको अच्छे से आप इसको क्लीन कर लो। तो इसके हेल्दी रूट से यहाँ पे ये रूट से, अभी ऊपर का हमने जो कप किया था वो कप लिया मैंने, इसमें ये ऐसा लगने वाला है, लेकिन एक ध्यान रखना जो रूट्स है वो नीचे न्यूट्रिशंस वाटर को टच होने चाहिए। तो ये अभी इसमें रख दिया मैंने, ये यहाँ पे इसको नीचे टच हो रहे जो इतना अंदर जाएगा। तो ये अभी लगाने के लिए ये मैंने प्लांट रख दिए, मैंने प्लांट यहाँ पे लगाया, ये वाला प्लांट है, ये इसको दो लीव्स आ गए, ऊपर के ट्रू लीव्स आ गए, जैसे मैंने बताया था ट्रू लीव्स आने के बाद ही ट्रांसप्लांट आपको करना है, तो इसे मैं ऐड कर रहा हूँ अभी ये। और इसको हल्के से
ये हाइड्रोटोन बॉल्स मैं इसमें डाल रहा हूँ साइड से। इसको बहुत जेंटल तरीके से डालना है, मतलब एकदम आराम से, प्लांट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट के लिए दोस्तों कुछ भी यूज कर सकते हो, इसमें स्पंज भी यूज कर सकते हो। ये सॉइललेस पूरा फार्मिंग है जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है, तो मैंने अभी ऐड किए यहाँ पे ये सॉइल्स। तो ये अभी प्लांट रेडी हो गया है जिसमें प्लांट मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। ये आपको नीचे जो दिख रहा है अंदर हाइड्रोटोन बॉल्स है, पर मैं निकाल के दिखाता हूँ अभी। ये नीचे इसके रूट्स पानी में जा रहे हैं दोस्तों, इतना ही करना है। मतलब सबसे इजी तरीका है हाइड्रोपोनिक आपको करने के लिए, बॉटल लिया, बॉटल को पेंट किया मैंने। पेंट इसके लिए किया है क्योंकि सनरेज आपका डायरेक्ट न्यूट्रिशन को हार्मफुल रहता है, तो इससे ब्लैक के थ्रू सनरेज पास नहीं होता है। तो एक मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ओपन रख दिया है यहाँ से, कि आपको पानी का लेवल, न्यूट्रिशन लेवल आपको पता लगेगा कितना है अंदर न्यूट्रिशन। और हाइड्रोटोन बॉल यूज किया है और प्लांट आपका इसमें रख दिया, आपका ये पूरा रेडी हो गया है। तो आप इसको देखेंगे, हम लोग 7-8 दिन में जो भी प्रोग्रेस होता है मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। थैंक यू एम्सा एक्वाफोनिक्स। तो इस तरीके से आप स्मॉल स्केल में आप हाइड्रोफोनिक्स कर सकते हो।